राखे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथिगण, आज के इस जॉर्जियन अलुमनाई मीट में उपस्थित तमाम सारे विशिष्ट सम्मानित देश विदेश से आए हुए पूर्व छात्र एवं अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, यूनिवर्सिटी के छात्रगण, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी को कि उन्होंने मुझे इतने सारे जॉर्जियंस के बीच में एक नॉन जॉर्जियन को बुला करके एक अलग से सम्मान दिया। मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व तो है, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी है जो यहाँ के आपसे के लिए उनसे पास आउट किया, उन्होंने एमबीएस किया, हमारे माननीय मंत्री जी है डॉक्टर बलराम भार्गव जी को मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ क्योंकि मैं जब वो सेक्रेटरी हुआ करते थे उसमें मैं भी भारत सरकार में सेक्रेटरी था, उनके काम को बड़े नजदीक से मैंने देखा है, बहुत नजदीक से एसोसिएट किए हैं। और इतनी सारी हस्तियां जिन्होंने, अब संजीव जी को जानता हूँ, धीमन साहब को जानते हैं, ऐसे तमाम सारी इतनी सारी हस्तियां यहाँ आप सब इतने लोग मौजूद है और उसके बीच में मुझे आपने आमंत्रित किया, तो अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं सबसे पहले तो जो इतने सारे जॉर्जियंस उपस्थित हैं, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मीट है और ये आपके कॉलेज की ताकत को दिखाता है। मुझे बताया गया कि कुछ 900 डेलीगेट्स इस एलुमनाई मीट के लिए रजिस्टर कर चुके हैं जिसमें 42 देशों से अलग अलग लोग आए हुए हैं, 42 देशों से उनका रिप्रेजेंटेशन यहां पे है। मुझे बताया गया कि यहाँ पे यूएसए से श्री दिनेश गोयल जी जो पूरा का पूरा वहां के नॉर्थ अमेरिका के जो एसोसिएशन है उसका जॉर्जियन एसोसिएशन उसको हेड करते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। बताया गया मिल्खा सिंह जी जो यूके के, ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी जी, ऐसे तमाम सारे देशों से लोग आए थे। इसी प्रकार से अभी ऐसे महानुभाव को हमारी तो संस्कृति, सनातन संस्कृति में 70 साल से जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो आप उसे देवतुल्य मानते हैं। हर कोई जो 70 साल से ऊपर हो गया उसको देवतुल्य, हमारी प्रार्थना है उस प्रकार। और यहाँ 93 वर्ष के हलीम साहब जो यहाँ पर प्रोफेसर हेड रहे, तमाम सारी चीजें आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की, आज यहाँ पे आप सबके मौजूद है। यहाँ पे दूसरे कोई 1950 बैच के, 1952 बैच के इतने पुराने जॉर्जियन साहब है, ये दिखाता है कि आपकी जॉर्जियंस की बॉन्डिंग कैसे, आप सारे किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए, एक शब्द जो आप सबको नजदीक बना कर देता है, वो शब्द जो कि आपको वापस अपने जमीन पे फिर से जहां जिस जहां से आप पैदा हुए, जहां से आपको वो ऊर्जा प्राप्त हुई जिसको लेकर के देश विदेश में आपने तमाम सारे नाम हासिल किए, तमाम सारी चीजें आपने लोगों को दी, इसका एक सीधा उदाहरण यहाँ पे डॉक्टर बलराम भार्गव जी, जिस समय कोविड वैश्विक महामारी पूरे दुनिया के में ऐसी त्रासदी थी, सारे लोग जिस प्रकार से तितर बितर हो रहे थे, आर्थिक व्यवस्थाएं जो है वहां की, जो स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं थी सारी की सारी चकनाचूर हो रही थी, और ऐसे में जब हमारे देश में बहुत कुछ नहीं था, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेडिकल वर्ल्ड ने कमाल कर दिया, कैसे जो ऐसे लोग थे जो कहते थे यहां तो इतनी सारी मौतें हो जाएंगी, कैसे ये लोग जो वैक्सीन लगा पाएंगे,
हमने न केवल अपने देश के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई बल्कि दुनिया में भी लोगों को वैक्सीन पहुंचाई और अपने देश की बड़ी वैक्सीन पहुंचाई जिसके बारे में पूरे दुनिया में तारीफ हो गई थी। ये कमाल था हमारे देश का, ये हमारे देश का कमाल था जिस प्रकार से, क्योंकि मैं भी उस व्यवस्था का अंग था, मैं भी कुछ पहले सेक्रेटरी अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स पीएसए प्लांट्स में देखता था, पीएसए प्लांट्स को पूरे देश में कैसे हम लोग लगा सकते हैं, ऑक्सीजन की वजह से मौतें हो रही थी कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से सारे लोग मिल करके और जैसे 90 दिन के भीतर भीतर पूरे देश भर में पीएसए प्लांट्स वाले लग गए, दूर दूर तक अरुणाचल प्रदेश से लेकर के केरला तक, कश्मीर से लेकर के हर क्षेत्र में सब जगह लग गए था। आप सोच नहीं सकते वहां भी लगे, कहीं हमारे जहाज से लाके लगे, कहीं ट्रेन से गए, कहीं कैसे गए, कैसे कैसे सब चीजें हुई, उस देश की ताकत दिखा रही थी। और इस देश में जो ताकत है, जो मेडिकल की जो ताकत है, उस चीज को दिखा रही थी, चाहे वो हमारा आयुष की व्यवस्था हो, हमारी मेडिकल की व्यवस्था हो, कैसे डॉक्टरों ने, हमारे जो नर्सेस ने अपने सब कुछ दांव पे लगाकर इन लोगों की जान को बचाया। और आप तो ऐसे कॉलेज से हैं जो कॉलेज, कितने सारे कॉलेज पैदा कर दिया। अगर हमारे देश के टॉप 10 जो सबसे पुराने कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस को गिनती कर उसमें आप आते हैं। और आपने कितने कॉलेजेस को जन्म दिया, आपने यहां से पैदा हुए और जाके यहां का कॉलेज स्थापित किया, वहां का कॉलेज स्थापित किया, और कॉलेज स्थापित करना मतलब एक न्यू जनरेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आपने पैदा करना प्रारंभ किया। ये आपकी ताकत है, एक नई थिंकिंग पूरी मेडिकल कल्चर में, एक नई थिंकिंग आपने जारी की। मुझे बड़ी खुशी हुई जब यहाँ पे हमारे जनरल पुरी साहब थे, मुझे गौरव प्राप्त हुआ कि वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सौजन्य से IIT कानपुर, जिसका मैं अलमनाई हूं, IIT कानपुर और KGMU इनने मिलकर के एक सेंटर चालू किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन, सिनर्जाइजिंग हेल्थ केयर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे फेलोस को मुझे ख्याल है कि 9 फेलोस जो जनरल पुरी साहब ने मुझे गौरव मिला कि उन सारे फेलोस के साथ उनकी बात को सुनने को, उनको समझने को, और कैसे वो IIT कानपुर का जो सेंटर है जो वहां से और कैसे यहां से दोनों को मिलकर के वो कैसे एक नई चीज निकालेंगे, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि उनमें से 4 लोगों के अपने नई चीजें उन्होंने स्टार्टअप से स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आज हमारे देश में एक नया कल्चर है, वो कल्चर है इनोवेशन का। ऐसा नहीं कि पहले इनोवेशन नहीं होता था, लेकिन इनोवेशन जो पहले होता था किंचित कहीं कहीं पर होता था, लोगों को नजर नहीं आती। आज इनोवेशन करना हर कोई सोचता है कि कुछ नया कुछ कर ले, नई चीज निकाले, नए मेडिकल प्रैक्टिस निकाले, नई दवाएं निकाले, नई इस तरह की नई नई चीजें करने का, नवाचार करने का आज देश में कल्चर बन चुका है। आज स्टार्टअप का देश में नया कल्चर, आज दुनिया का 3rd largest स्टार्टअप हिंदुस्तान में है। इतना सारा इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में अलग से हम लोगों ने पूरा स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए फंडिंग कर रखी, और हम एक अलग से प्राइवेट फंडिंग के बारे में भी उसके साथ एसोसिएट करके आगे काम करने जा रहे हैं। तो जो एक व्यवस्था देश में हो रखी है उसमें ये एक नया प्रयास था, लेकिन ऐसे प्रयास और ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि आप में जो ताकत है, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ताकत है, उस ताकत को आप तब रियलाइज कर सकते हैं जब आज जिस प्रकार से देश बदल रहा है, देश की जो आवश्यकताएं हैं, जो देश का एक लक्ष्य है विकसित भारत भाई 2047 तक देश को विकसित करना है, ऐसा देश जो पूरी तरह स्वस्थ हो, सब कोई समर्थ हो, सब कोई अपनी क्षमता के मुताबिक देश को दे सके, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हो जिसमें हम जो आज आप अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब सारे देशों का उसकी व्यवस्था के हम समकक्ष आकर के खड़े हो, और ये सब कुछ संभव है, क्योंकि जिस प्रकार से देश में सारे के सारे परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में अगले देखते देखते हमारे सामने ही, हमारी जिंदगी के सामने हमें देखते नजर आएगा कि जो कमियां थी पहले वो कमियां खत्म हो गई। उदाहरण के लिए आप कल को सोचिए, आपका खुद का कॉलेज, आप आते रहे होंगे तो क्या इतना स्वच्छ था पहले?
क्या ऐसी व्यवस्था थी पहले? नहीं थी। ये हमारे सोच में परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है, जिसके नाते हम ऐसी व्यवस्था की आज केजीएम में हो या केजीएम के बाहर भी आपको कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा, आपको कहीं बहता हुआ पानी नहीं मिलेगा, कोई जल का भी संरक्षण हो रहा हो। ये हमारी सोच में परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ साथ व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तन की लहर में जिस समय देश ऐसे परिवर्तन कर रहा है, ऐसे में हमारे अनुमानी का रोल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कैसे अपनी उस ताकत को, जो ताकत आपने हासिल की जिसकी जड़ें वही है जहां आज आप मौजूद हैं, उन जड़ों में आज जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, नए स्टूडेंट्स हमारे जो MBBS हो रहे हैं, MD हो रहे हैं और भी तमाम सारी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, यहां पे इतना बड़ा कॉलेज जो कि शुरुआत हुआ था 2016 में, देख रहा था कि कुछ 150-200 बच्चे थे, बताया गया कि आज लगभग 2000 के आसपास बच्चे। मुझे सोनिया जी ने बताया कि आज यहां पे लगभग 4250 बेड्स है। मैं समझता हूं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल होगा पूरे इफ नॉट इन इंडिया बट मे बी इन द नॉर्दर्न इंडिया, आई डोंट नो, आई डोंट हैव दोस फिगर्स, बट वन ऑफ द लार्जेस्ट 4250 बेड्स हो, 550 फैकल्टी हो। तो क्या आप एज ए अलुमनाई उस फैकल्टी को जो एक नया नॉलेज है, एक नई चीज है, उस नई चीज को क्या उन तक ट्रांसफर कर सकते हैं, उन तक पहुंचा सकते हैं? आज बताया गया कि यहां पे CME होने जा रहा है, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन होने जा रहा है। आज टेक्नोलॉजी ने यह संभव कर दिया है कि आप चाहे इंग्लैंड में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, जरूरी कहीं दुनिया में बैठे हो, जब कोविड का दौर था आप पूरी दुनिया भर से कनेक्टेड हुआ करते थे, आप कहीं भी बैठे हुए कि आप अपने पुराने जॉर्जियन के स्टूडेंट्स के साथ कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया किस्म की सर्जरी आ रही है, नए किस्म का अगर डायग्नोसिस हो रही है, नए किस्म की चीजें जिससे कि लोगों की लाइफ बेहतर हो सके, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके, क्या आप उनसे शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कनेक्टेड होकर के उससे कैसे नए लोग निकाले, क्या ऐसे लोगों को आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम के साथ इंटर्नशिप के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं? क्या आप नए रिसर्चेस, नई दिशा जो आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो ज्ञान है, आप जिस जगह पे पहुंचे हुए वहां पे आपका बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत कुछ आपकी दायरा बहुत कुछ बढ़ चुका है, लेकिन यहां वो बच्चे हैं जो आसमान में उड़ने के लिए तैयार है, वो अपने दायरा बढ़ाने के लिए तैयार है, और वो नए भारत के बच्चे हैं, उभरते हुए भारत के बच्चे हैं जो इस देश को विकसित बनाएंगे, क्या उनको वो ताकत दिला सकते हैं? अगर आप अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालें तो आप जरूर दिला सकते हैं। आप क्या कुछ नई सोच इस यूनिवर्सिटी के बारे में ला सकते हैं? हमारे IIT कानपुर में एक अनुभव थे मिस्टर गंगवाल, आज IIT कानपुर में एक एडवांस सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च स्कूल बन रहा है। पहले बार IIT कानपुर में 500 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है और वहां पे आर्टिफिशियल हार्ट बन रहा है, मैं जाके देख चुका हूं, आर्टिफिशियल हार्ट बन रहा है, कल को आपको मदद करेगा जो हार्ट लगाने की जरूरत, आर्टिफिशियल हार्ट से लोग अपने काम कर सकते हैं। और इतनी सारी चीजों पे काम चल रहा है उस स्कूल में, वहां पे मटेरियल साइंस, देखिए कि एक समय एक वक्त होता है जबकि हमारी सारी साइंस एक दूसरे से जुड़ जाती है, तो जहां मेडिकल का ज्ञान है वहां मटेरियल साइंस का भी ज्ञान चाहिए, वहां इंजीनियरिंग का भी ज्ञान चाहिए, वहां और भी तमाम चीजों की इतनी नजदीक से आवश्यकता पड़ेगी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, IT की भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी, उन सारी चीजों को जोड़ करके आज IIT कानपुर, पहले हम जाते थे MIT में देखते थे, स्टैनफोर्ड में देखते थे, वहां पे मेडिकल स्कूल होते थे, IIT में नहीं होते थे, आज IIT में मेडिकल स्कूल, और उसको कंट्रीब्यूट किसने किया? हमारे कलमनी ने किया। मेरा खुद का एक क्लासमेट राजीव मोटवानी, अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर, वेरी ब्रिलियंट, he was my classmate from computer science, my electrical engineering ka computer science ka, he was a professor of computer science in US, itne sare usne patents banaye, itne sare paise usne kamaye, unfortunately he died, uske wife ne $1.5 million dekar ke Motwani Center, Rajiv Motwani Center wahan pe banaya, aaj wo Rajiv Motwani Center mein pura technology ko kaise promote kar rahe hain, aur technology in the use for the human beings, जिससे कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके, तमाम सारी टेक्नोलॉजी को कैसे कर सके, पूरा एक राजीव मोटवानी सेंटर पूरा उन्होंने बनाया।
क्या आप वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या आप कोई नए किस्म का रिसर्च शुरुआत कर सकते हैं? आप नेटवर्क करें, बिकॉज यू आर इन अ वेरी वेरी पावरफुल पोजिशन। आपकी अर्थात आपका स्थान जो बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान पर आप पहुंच गए, आप नेटवर्क करके सरकार से, गैर सरकार, बहुत सारे तमाम सारे फाउंडेशन से, उनके माध्यम से कुछ नई चीज का शुरुआत कर सकते हैं। और हर चीज के पीछे केवल एक ही लक्ष्य हो, जब हमारा देश एक विकसित भारत बनेगा, उस विकसित भारत का ये हमारा जॉर्डियन पर लीड होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, जिसके आने वाले समय में अभी हमारे यहां से जो अब बहुत अब धीरे धीरे कभी कभी तो कुछ आते हैं, जैसे पहले हमारा ओलंपिक्स में स्कोर ऑलमोस्ट जीरो होता था, हम बड़े इंतजार करते थे एक तो ब्रॉन्ज मिल जाए, चलो इस बार ब्रॉन्ज मिला तो चौथे स्थान पर भाग करके अटक गए, एशियन गेम्स होता था चलो चार छह मेडल मिल जाए, अब देखिए अब 100 मेडल मिलते हैं, ओलंपिक होता 50 मेडल मिलते हैं, आपका कॉमनवेल्थ गेम्स होता है 100 से ऊपर ज्यादा मेडल्स मिलते हैं, देश वही है, लोग वही है, जो खाए बदली, लोगों के एक्सप्रेशन बदले, और देखिए स्पोर्ट्समैन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा आप नहीं सोच सकते, इतना पुराने सूट, कल को जो हमारा जो ओलंपिक नहीं बल्कि कल को जो एक जो जो अवार्ड मिलते हैं मगासेसे अवार्ड, या हमारे जो है नोबेल पुरस्कार, क्या उसमें हमारा जॉर्जियन नहीं आ सकता है? आ सकता है, केवल यह सोचने की बात, तय करने की बात, एक बार आपने तय किया तो फिर देखिए आने वाले 20 साल के भीतर भीतर एक जॉर्जियन को यहां का नोबेल पुरस्कार भी मिल सकता है, आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, हमारे देश के तमाम सारे पुरस्कार मिल सकते हैं, तमाम सारे नई नई हमारी यहां के पेटेंट्स हो सकते हैं, नई नई चीजें यहां पे इजाद हो सकती है, और वो सब करने के लिए आपकी ताकत की जरूरत है, क्योंकि जॉर्ज ये हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो अपना काम तो कर ही रहा है, ये रूटीन में जो काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, आप उसमें कुछ नई ताजगी ला सकते हैं, और अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो ये आपका एक अस्थाई कंट्रीब्यूशन होगा, जिसको आप याद रखेंगे कि हमने वहां पर यह काम किया, क्योंकि हम वहां से पैदा हुए थे, वहीं से हमने सारी ताकत लेकर के आज देश दुनिया में हमने नाम किया हुआ है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर तो ये हमारा एक मीट है, मिलेंगे जुलेंगे खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन फिर आपकी जो खुद की जो एक आपकी हैसियत है, आपकी जो आपका जो जज्बा है, और आज इस नए भारत के लिए जो प्रधानमंत्री जी का एक सोच है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो सबके प्रयास में आपका वो प्रयास अधूरा रह जाएगा, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा चाहे जैसे भी कर सकते हैं आप कोशिश करिए, देखिए कि कैसे आप अपने उस कॉलेज को जहां से आपने शुरुआत की थी क्या ताकत आप दे सकते हैं, कैसे ताकत आप दे सकते हैं, कैसे यहां के बच्चों को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए व्यवस्था आप कर सकते हैं, ताकि जॉर्जियन, अभी तो आप जब थे तो जॉर्जियन दूर से पहचाने जाते थे क्योंकि एक ही बहुत थोड़े से कॉलेज हुआ करते थे, आज तो हमारे प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, आप 75 जिलों के मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल कॉलेज है, लेकिन क्या आपकी पहचान आपके उस विशेषज्ञता से, आपके उन जो तमाम सारी चीजें जो आपने यहां से हासिल की वैसे हो सकती है, उसके लिए आप मदद कर सकते हैं, मैं आप सारे लोगों से यही अपील करूंगा आज कैलबनाई मीट पे कि आप जैसे भी हो, मे बी यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू, कमिट राइट अवे, बट प्लीज डू थिंक ओवर इन ग्रुप ऑल्सो, देर मे बी ग्रुप ऑफ जॉर्जियंस हु विल बी देयर, जहां कहीं से आप आए हुए, चाहे उत्तर प्रदेश से या देश के किसी कोने से या दुनिया के किसी कोने से आप आए हुए, किसी शहर से आए हुए, आप एक बार सोचिए क्या हम लोग मिलकर के कुछ कर सकते हैं, क्या हम कोई स्पेशल लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं ताकि लोगों की हम कैपेसिटी बिल्ड कर सकें, क्या हम स्पेशल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या हम एक महीना ले सकते हैं, कम एंड स्टे इन द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर वन मंथ,
और मैंने जो विशेषता हासिल की है, पर्टिकुलर किस्म की सर्जरी हासिल की है, वो सर्जरी हम उसको कर सकते हैं क्या? हम इस पर्टिकुलर किस्म का इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पे को डोनेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं इन इंडिविजुअल प्रेस्टिज एंड इन ग्रुप। आई थिंक अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर इस मीट का और भी ज्यादा लाभ मिलेगा, और ऐसे मीट बार बार कराने की जरूरत होनी चाहिए ताकि हम लोगों को अपने जड़ों से जोड़ सके, ताकि वापस हम जाकर के देख सके कि हम जहां से आए थे, जिन कमरों में बैठ के पढ़ते थे। जैसे मैं अभी IIT जाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने क्लासरूम में जाने का, बहुत अच्छा लगता है अपने लैब में जाने का, अपने रूम में जाने का। आपको महसूस होगा क्योंकि वो हमको हमारे इमोशन से जोड़ता है, इमोशन जो हमारे अंदर पड़ेंगे, और उसके साथ साथ जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको परमानेंट जोड़ देगा, कभी आपसे उससे अलग नहीं हो पाएंगे। मैं एक बार दोबारा आप सबको बहुत बहुत अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे प्रदेश लखनऊ राजधानी में आए, आप लखनऊ में केवल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को ही केवल घूम करके ले जाइएगा। आज लखनऊ पूरी तरह से बदल चुका है, जो लखनऊ आपने देखा होगा किसी जमाने में, आज वो बिल्कुल नया लखनऊ है। आप लखनऊ की शाम को जरा सड़कों में जाकर के देखेंगे, आपको एक अलग रौनक नजर आएगी। आप लखनऊ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जाके देखेंगे, अलग रौनक नजर आएगी। आप यहाँ के प्रोडक्ट्स, आपको पुराना अगर चिकनकारी का याद हो तो चिकनकारी में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। अगर आप यहाँ के खाने को पसंद करते हैं तो यहाँ के खाने में भी बहुत कुछ नई नई चीजें हो चुकी है। तो आप आए हैं लखनऊ में, KGMU में तो जरूर आए अपने कॉलेज के साथ, लेकिन लखनऊ में भी आप दोबारा आए जहाँ आप शायद घूमते रहे होंगे, एक बार लखनऊ को एहसास करके जरूर जाइएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।